हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसएम और यूएमटीएस और एलटी क्या होता है और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होता है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जीएसएम होता है वो एक 2G टेक्नोलॉजी होती है और जो यूएमटीएस होता है वो एक 3G टेक्नोलॉजी होती है और जो एलटी होता है वो एक 4G टेक्नोलॉजी होती है। यानी कि जीएसएम, UMTS और LTE ये क्या है, ये हम इसका यूज़ जो करते हैं वो एक नेटवर्किंग सिस्टम में करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन कराने के लिए करते हैं। और ये जो 2G होती है वो किस पे बेस्ड होती है, GSM पर। 3G किस पर बेस्ड होती है, UMTS पर। 4G किस पर बेस्ड होती है, LTE पर। ये क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, 2G 3G 4G टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी। देखिए, यहाँ पे GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, UMTS की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन। देखिए, इनकी स्पीड में चेंजिंग होती है, GSM से ज़्यादा होती है UMTS की स्पीड, UMTS से ज़्यादा होती है LTE की स्पीड। यानी कि यहाँ पे ये अपडेट होते जाते हैं, इनकी जनरेशन चेंज होती जाती है। आप ऊपर भी देख सकते हो 2G से 3G, 3G से 4G। जनरेशन का क्या मतलब होता है, हम उसमें क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं जिससे कि हम फास्ट कम्युनिकेशन कर सके। तो फास्ट कम्युनिकेशन कब करेंगे, जब हमारे पास एक अच्छी स्पीड आएगी। तो 2G की जो हमारी स्पीड होती है वो 30 से 50 KBPS होती है, यानी कि एक सेकेंड के अंदर वो 30 से 50 KBPS को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। फिर होता है यहाँ पे 3G, 3G की जो स्पीड होती है 144 KBPS से 2 MBPS तक होती है, और जो हमारी 4G की जो स्पीड होती है वो 100 MBPS से 1 GBPS होती है। और मैंने आपको बता ही दिया 2G किस पे बेस्ड होती है, GSM पर। 3G किस पे बेस्ड होती है, UMTS पर। 4G किस पर बेस्ड होती है, LTE पर। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।